रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। ये आ गया, सब लोग आ गया है। आइए हम लोग बता रहे हैं कि मैं क्वेश्चन पूछा था, दोनों वीडियो में छोड़ देंगे आप लोगों को। क्वेश्चन पूछा था डिफरेंस बिटवीन ओ एंड जी, दिस इज द ओ, दिस इज द जी। ओ जो होता है वह पूरा ही गोल होता है और जीरो इलिप्स। समझ में आया? गलती करते देखने पर मोबाइल में कभी देखा नहीं? मोबाइल देखो, बोलो उसमें देखो वो कैसे लिखा हुआ है, जीरो कैसे लिखा हुआ। ये चर्चा हम कर रहे थे, यह आपका सर्कल होता है लेकिन ये आपका इलिप्स होता है, वर्टिकल। यस या नो? यस सर। अब गलतियां नहीं करोगे? करो, बोलो। ये देखो ये मछली के पूछ है कि नहीं? यस सर। बोलो। यस सर। यस सर। ये जो है ना समुद्र का अर्चनी है। बोलो यस या नो? यस सर। ये लॉबस्टर है, बोलो यस या नो? ये ईल है, बोलो भाई यस सर। और यह जो रेड स्नैपर, रेड क्या है? यह बात क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये फिगर सब दिखा अपने अपने घर के बर्तन में देख लो, क्या खाने पा लो पूरा आपको तो नाश्ता वाला देखता है ऐसे करके देखता है। तो फिगर को समझना है आगे। देखो तुम्हारे पास गौर से देखो, ये क्या क्लैंप है? बोलो यहां से हम। यह जो है पैरों, बोलो ठीक से। ये क्या फिगर है? किसका फिगर है वो तो हम सब, यह किसका फिगर है? ये जेली फिश है, जेली है, ये दिखा दे। और यह कैसा है? ये कटल फिश है, बोलो यस सर। या तुम्हारा सिल्वर और ये तुम्हारा। आप तुमसे पूछेगा कि आप मछली को नहीं देखा, यहां देखो फिशर मैन जो मछली को मारता है उसको हिंदी में कहते हैं मछुआ, क्या होते हैं? और ये बोट्स है तो लोग देखा हो, बोलो यहां से। अरे समुद्र में नहीं देखा, इंडिया में फिल्म में देखा, समझ गए पढ़ दो। ये अगला पेज, अगला में अपनी आंख बंद करके समुद्र के ऊंची ऊंची लहरों उठ रही है, तुम्हारा विचार लहरों पर कितनी बार उठ रही है ये देखना है, तुमको विचार करना है। ये जो लॉन्ग बोट है वो कैसे चलता है इसको करना चाहिए, क्योंकि हम पानी को ऐसे ना चलते हैं वो कैसे होता है, वो मशीन से चलता है, बोलो यस सर। ये जो है 10 किलोमीटर, कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर। यानी कितना समय लगेगा ये प्रश्न पूछ रहा है, बोलो यस सर। तो देखो यहां ध्यान देना, 4 किलोमीटर एक आवर में जाते हैं, इसको जाना कितना है? 10।
डिवाइड नहीं करना। पहले कहां कहोगे? चार किलोमीटर गया वन आवर में, बोलो तो टू आवर में कितना जाएगा? 8 किलोमीटर। अब उसको कितना हो जाना है? तो जाना है यानी हाफ आवर और लगेगा, बोलो यस या नो। तो 10 किलोमीटर पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? बोलो यस या नो। इसको चाहते तो डिवाइड करके भी कर सकते थे, यानी 8 यहां पर 4 तो 4 2 जा यहाँ 2 बचता, पॉइंट लगाते यहाँ पर 0 हो जाता। बोलो क्लियर है? यस सर। यानी 2.5 आवर, 2.5 आवर यानी 2 whole 1/2 hour। बोलो यस या नो। यस सर। करने आया कि नहीं आया? यस सर। अंदाज कि तुम देख सकते 1 घंटा में कितना दूरी तय कर सकते हो। अगर तुम दौड़ते हो तो कितना स्पीड हो? बोलो, दूसरे दूसरे स्पीड होता होगा ना। अरे साइकिल आदमी चलाता है तो 20 किलोमीटर पर आवर चलाता है। बोलो यार। यस सर। बोलो। यस सर। तो ये पैदल चलेगा तो बहुत होगा, तो 5 किलोमीटर पर आवर चलेगा। यस सर। यस या नो। यस सर। दौड़े तो कुछ ना कुछ स्पीड और बढ़ जाएगा। यस सर। बोलो। यस सर। आइए आदमी पैदल ऐसे चले पहुंचेगा। बोलो। यानी ये भी पेज को आप लोग लिस्टिंग किया है। अब तुम्हारे पास मछुआरे जो महसूस करते हैं मछली मारने में, सूरज कटे पर अपना रास्ता खो सकते हैं। हमने बहुत सारे समुद्र के रास्ता खोल जाएंगे, यहाँ केवल पानी के पानी हो तो हम क्या करेंगे? जिधर सूरज भगवान उठते हैं उसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जिधर डूबेंगे। बोलो यस या नो। यस सर। बोलो। यस सर। नॉर्थ किधर होगा, साउथ किधर होगा, करने आ गया नहीं आ गया? ऐसे डायरेक्शन देखा जाता है, ऐसे ध्यान दो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है। बोलो यस या नो। यस सर। बोलो। यस सर। इधर ईस्ट हो गया, ऐसे खड़ा हो गए ऐसे। यस सर। बोलो। यस सर। ठीक है। यस सर। भाई सब ठीक है? यस सर। भाई सब ठीक है? यस सर। ये ठीक है, ये सामने हो गया। यस सर। ये दायां हो गया। यस सर। बायां हो गया, पीछे हो गया, करने आया कि नहीं आया? बोलो यस या नो। यस सर। तो इससे तुम डायरेक्शन बना सकते हो। बोलो यस या नो। यस सर। तो यही कह रहा है कि फाइंड आउट, लुक एट द स्काई, फाइंड आउट द डायरेक्शन फ्रॉम द वेयर इज लाइट फ्रॉम वेयर यू आर, व्हाट इज द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द सी योर एज। बोलो यस या नो। यस सर। रिक्वेस्ट हो जाएगा, नाम बता दिए, साउथ बता दिए, ऐसे तो नहीं होता है, नहीं होता है। यहाँ पर डायरेक्शन जानोगे, नहीं जानोगे? डायरेक्शन चार टाइप का हुआ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। एक डायरेक्शन तो मैंने आठ टाइप का हुआ, ये नहीं हुआ। ऐसे भी तो होगा जिसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट। ये नहीं कहा नॉर्थ ईस्ट है, इतना नहीं बोलो ना। ये वाला डायरेक्शन क्या बोलेंगे? वेस्ट नॉर्थ। क्या बोलेंगे? वेस्ट नॉर्थ। इसको बोलेंगे वेस्ट साउथ। क्या बोलेंगे? वेस्ट साउथ। इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट। बोलेंगे बोलेंगे साउथ। क्या सर? नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? आया? लेकिन तुम नाम सुनोगे 10,000। क्या नाम सुने होगे? वत्सक। वत्सक।
जिसका नाम दसों के सामने चले, इसका नाम दसों के सामने, उसका नाम है दसरा। यदि डायरेक्शन दस बनता होता, यहां की दुनिया को कैमरा नहीं है, एजुकेशन करो कि दाने साइड में गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नॉर्थ वेस्ट, बोलो ये ऊपर नीचे डायरेक्शन होता है, तीन टाइम का रिजल्ट होता है, दस टाइम का होता है, ये क्या हो गया, इधर नेक्स्ट का होता है, ऐसे चलना चाहते हैं इसी के अनुसार आप टाइम ये दिन रियल में अपने अपने अब नेक्स्ट है तुम्हारे पास, यहां पर तुम यहां जो देख रहे हो ये मोटर बोट है, ये मोटर बोट भरा वाला है, ये लंबी पूछ वाले नाव है, यहां पर बीप मशीन वाला है जिसे हम ट्रॉलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेकिन अब मछुआरे बहुत ही चिंतित है क्योंकि मछली का व्यापार कुछ बड़ी बड़ी मशीन लगी हुई नावे आ गई है, वह समुद्र के बहुत दूर जाकर गहरे पानी में बड़े बड़े जाल को डाल देती है और वहां से मछलियां पकड़ लेती है, वो तो ऐसे हो जितना जिसके पास कंपोनेंट होगा करेगा नहीं करेगा, बोलो भाई यह बहुत हिम्मत की बात है, यह बात क्लियर हो गया, वो ऐसे हो अब सेंट्रो जो है लाल मछुआरे समुद्र मछलियों को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, इसके लिए आप तुम्हारे पास अगले राउंड में किस नाव में कितने आता है यह बात तुमको यहाँ पर सीखेंगे, आओ हम लोग देखते हैं हर तरह की नाव सात चक्रों में कुल कितना मछलियां पकड़ेगी ये बताना, बोलो कितने चक्कर में, एक चक्कर में अगर वह 20 केजी लाती है कितनी केजी लाती है, तो 7 टाइम्स लाएगी तो कितना होना है, एक बार में 20 केजी तो 7 बार में 7 × 20 यानी 140 केजी, वो मैं इधर से आना मल्टीप्लाई आ रहा, बोलो आ रहा है, अगला यहाँ पर देखोगे लॉन्ग बोट लाती है 20 केजी और कितने के स्पीड से लाती है, जल्दी बताओ 4 किलोमीटर/hour लॉन्ग टेल वाला बोट होता है वो 600 केजी लाती है, कितने के स्पीड से 12 किलोमीटर/hour मोटर बोट होता है 800 केजी लाती है, कितने के स्पीड से 20 किलोमीटर/hour और मशीन बोट जो होता है वो 6000 किलोमीटर लाती है 22 पर। अब इससे देखो प्रश्न, पहला प्रश्न ये है ध्यान देना लोग कि सब अगर 67 लाया कितने दिन लाया जो यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करके, बोलो भाई तो ये वाला कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ 120 केजी, यहाँ पर कितना हो जाएगा इतना केजी, यहाँ कितना हो जाएगा इतना केजी और यहाँ कितना हो जाएगा इतना केजी और सभी को जोड़ दिए तो कितना केजी हो गया, सिलेक्ट हो गया नहीं। दूसरा प्रश्न है वह ये है कि मोटर बोट 6 घंटा में कितने दूरी तय करे, करेक्ट अबाउट हाउ मेनी टाइम मोटर बोट 6 आवर, यहाँ मोटर बोट बोला यह है इसकी 20 के स्पीड है यानी 1 आवर में 20 किलोमीटर जाती है तो 6 आवर में 20 × 6 यानी 120 किलोमीटर जाएगी, बोलो यहां से आओ। अगला प्रश्न क्या है,
अगर लंबी पूछ वाली नाव 60 किलोमीटर जाना पड़े तो कितना समय लगता है? लंबी पूछ वाला नाव का लॉन्ग टेल बोट ये 12 की स्पीड से जाती है। तो देखो अगर 1 आवर में यह कितना जाएगी? 12 किलोमीटर। बोलो यस या नो। तो नेक्स्ट 2 आवर में कितना जाएगी? 24। फिर 3 आवर में कितना जाएगी? 36। 4 आवर में कितना जाएगी? 48। 5 आवर में कितना जाएगी? 60। तो कितना पहुंचना था जल्दी बताओ? 60 किलोमीटर पहुंचना था। तो पहुंच गया कि पहुंच गया? तो हम लोग जुलाई से के पांच बजे सब रहेंगे नहीं। एक और क्लास में मैं पढ़े डाले हुए हैं। कौन क्लास का? और टॉपिक का नाम क्या है? मछली मछली एडम के नाम है। अगर आप लोग बात करेंगे अब कुछ बड़ी बड़ी संख्याएं के बारे में बात करते हैं। यहां देखो जब फोर्थ क्लास में था इस क्लास में था मैं तो मैजिक बुक पढ़ा होगा और उसमें वर्ड आया होगा लाल। क्या आया होगा जल्दी बताओ? बोलो क्या आया होगा? और ये देखो लाल में कहां बात हो रहा है तुम्हारे घर पर होगा यूपी में ठीक से वहां पर गया जहां ईद बनता है ईद बन था वहां ईद जो होता है लाखों में होता है क्या होता है हमारे बाप ना केस देखना ये आज है लाखों तो होगा क्या बोलो यस या नो। अब लाख संख्याएं के बारे में तुम लोग सुना है बोलो यस या नो। 1000 संख्या लिखो और 100,000 लिखो 1,00,000 संख्या लिखो और शून्य को भी लिखो आसान है कि नहीं? सुनो यह एक है यह क्या है? एक क्या है? यह क्या है? 100। ये क्या है? 1000। ये क्या है? 10,000। ये क्या है? लाख। 1,00,000। और देख लो कितना जीरो है? 5। 1,00,000 होता तो कितना जीरो होता? 6। बोलो फिर करो कितना जीरो होता जल्दी बताओ? 7। करो तो तुम बोलोगे ध्यान ध्यान दो तुम बोलोगे सर इधर से लिखेंगे पहला को लिखेंगे यूनिट बोलो यूनिट 100,000 10,000 लाख 1,00,000 करोड़ 10 करोड़ भी लिखोगे नहीं लिखोगे अरब लिखोगे नहीं लिखोगे खरब लिखोगे नहीं लिखोगे बोलो यार। तो तुमसे प्रश्न पूछ रहा है कि तुमने करोड़ के बारे में सुना होगा बोलो यहां से हो करोड़ लिखने की कोशिश करो कोई लिखे नहीं लिखेगा बोलो बोलो बस इधर बैठ के यार करोड़ क्या हमको बता दो वहां से आपकी बात करो बोलो उससे क्या करो की बात करो लिखे बोलो यहां से ना कैसे होगा बोलो 1 करोड़ लिखना क्या लिखा तो क्या लिखेंगे यूनिट बोलो 100,000 10,000 10,00,000 करोड़ यहां पर हुआ कि नहीं हुआ करने आया कि नहीं आया नहीं आया अरे वो लिखना है क्या लिखोगे बोलो बोलो कितनों बड़ा तत्व रहेगा बोलो यहां से लो करोड़ के बाद क्या हो 10 करोड़ 10 करोड़ के बाद क्या होगा अरब बोलो अरब के बाद क्या होगा अरब के बाद क्या होगा नील नील के बाद क्या होगा बकरुम बकरुम के बाद क्या होगा सन सन के बाद क्या होगा महासन बोलो यहां से
9,000 बोलो यस या नो गुणे 10 यानी टोटल इसका हो जाएगा 90,000 कितना हो जाएगा टोटल करने आ गया कि नहीं आ गया तो इसको हम लोग बोलते हैं मछली का बैंक क्या बोलते हैं करने आ गया कि नहीं आ गया आप पैसा जब खरीदने जाते हैं तो आप देखो वह किसी से रुपया कर्ज भी ले सकता है यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर कर्ज लेगा तो क्या होगा यहाँ ग्रेसी मेक मनी बाय मेक जाल किनने के लिए उसको पैसा चाहिए और जान से हर सिस्टर वांट टू बाय द लॉन्ग बोट अब वो चाह रहा है ग्रेसी को जाल खरीदने के लिए पैसा चाहिए और झांसी को वाहन लट्ठे की नाव को खरीदने के लिए चाहिए अब बैंक से कर्ज लेती वह ब्याज पर पैसा मिलता है पता ना कि बाहर से पैसा लोगे तो क्या लेता है इंटरेस्ट क्या लेता है देखो इंटरेस्ट इसको हिंदी में कहते हैं ब्याज क्या कहते हैं ऐसी जाल खरीदने के लिए 4,000 रुपया लेती है कितना लेती है 4,000 और उसने 345 रुपये हर महीने एक साल तक देती बोलो अब यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई कर दिया 12×5 60 5×48 अच्छे जोड़ेंगे 54×4 हाथ में 5 12×36 5×41 तो देखो बैंक से पैसा कितना लिया बैंक को देना कितना पड़ा 4,140 यानी उसका इंटरेस्ट बैंक वाला कितना लिया 4,140 - 4,000 यानी 140 आपको इंटरेस्ट इसी ढंग से तुम देखोगे कि इंस्टीट्यूशन में कोचिंग में भी एक बार में पैसा जमा कर दोगे आइए भाई कर दीजिएगा तरीके ना यानी वहां पर भी इंटरेस्ट एक बार होगी अगला प्रश्न है झांसी ने उसकी बहन से 21,000 रुपया लिया कितना लिया 21,000 और बैंक किया 23,520 यानी ये पैसा बैंक दिया यानी देखो वो इंटरेस्ट कितना ले इंटरेस्ट की बात करोगे तो 520 और 23 में से 21 गया यानी उसका इंटरेस्ट 2,520 हो गया अब ये पूछ रहा है कि 12 महीने में पैसा कैसे कैसे दिया होगा बोलो यार यस सर तो यहां पर 23,520 यहां 12 से डिवाइड कर देंगे बोलो यस या नो यस सर 12 से डिवाइड कर दोगे ना 12 12 हो गया यहां पर 11 बचा बोलो भाई यस सर वरना 8 होता से 108 यहाँ पर 7 और 2×12=72 यानी 1,960 रुपीज वह पर मंथ दिया कितना दिया था जी बताओ 1,960 अगला प्रश्न अब बच्चों ने हमें मछलियां सुखाने के लिए नया घर खाना चाहिए बोलो यस या नो उसके लिए आपको इतना पैसा चाहिए बोलो यस या नो बोलो भाई इसको भी कहां से लेना पड़ेगा ये लेना पड़ेगा बोलो करने आ गया बोलो भाई अगला तुम्हारे पास प्रभाव है यहाँ पर आइटम दिया हुआ है प्राइस दिया हुआ है नंबर ऑफ आइटम ऑफ कॉस्ट आपको बताना है बोलो यस या नो अब कर खाना बनाने के लिए तुमको पैसा चाहिए बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए तो हर एक का कीमत 3,000 एक को चीज चाहिए तो 3,000 रुपया यहाँ हो जाएगा बोलो भाई एक में 2,020 से मल्टीप्लाई किया तो 20 को भी 40,000 रुपया चाहिए बोलो यहाँ 4,000 रुपया चाहिए और यहाँ 6,000 चाहिए 20 में 75 से गुना कर दिया तो 150 बोलो भाई 1,500 चाहिए
फैक्ट्री के टोटल खर्च निकल गए कि नहीं निकल गए? बोलो यस सर। यस सर। फैक्ट्री तो मर गई। फैक्ट्री मछली सूख जाती है तो उसकी वजन कितना हो जाती है पता है? 1/3। यानी 1 kg को मछली को सुखाओगे तो सूखने के बाद 1000/3 बस पांच मिनट। ऐसा कोई अवसर आता है इस बात को है ना, कोई बच्चा है इसको जो है सेव कर आवाज में भी सुन सकते उसके तो यहाँ पर सब लोगों को करने आ गया। अब 1 महीना में 6000 किलो इतना के जी जल्दी बताओ ताजा मछली है तो 1 महीना में कितना सुखाया नहीं पता चल गया 6000/3 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा जल्दी बताओ 2000। बोलो यस जानो। देखोगे कि मम्मी लोग फूलगोभी के दिन में फूलगोभी ले लेते हैं और उसको सुखा के रख देते हैं ने 6 किलोग्राम ताजा मछली की गणना करने के लिए हम देखो वीवाई फ्रेश 20/15 पर केजी और यहाँ पर 70 रुपये पर 6 किलोग्राम दाना मछली सुखाकर हमें कितना पाओगे तब बताओ। यहाँ 90 रुपया बना है, इधर रुपया बना है, यह क्लियर बात है कि 15 से मल्टीप्लाई करेंगे ना 90 हो जाएगा। बोलो भाई सूखा वाला मछली है बस 70 रुपये कितना है, यहाँ 70 से मल्टीप्लाई होगा 140 हो गया। बोलो भाई 6 kg प्रेस है तो 15 अगुने माइनस करना, क्या करना था माइनस भी कर देंगे। बोलो यानी ये तुम्हारे पास आराम से बन जाएगा। कल से जो है मेरे क्लास में अगली है दे आर ऑल वेरी हैप्पी विद दिस प्लान द ग्रुप कैन बी मेक प्रॉफिट ईच वुमन यू गेट द सैलरी फॉर द वर्क शी डन। अब खांसी कैसे पता लगाएंगे कि हर महीना 6000 किलोग्राम मछली और 1500 किलोग्राम नमक की जरूरत पड़ती है, नमक 2 रुपये है तो प्रति माह कितना खर्च होगा, टी-शर्ट का 1500 × 2 = 3000 और यहां पर बस का चार्ज 3000 ये टोटल कितना हो जाएगा 3 × 3 यहां पर जोड़ देंगे तो इस ढंग से सुखाने में बेचने में उसको कितना खर्च होगा आपका जिला जो है तो साउंड वेरी गुड आवर कैलकुलेशन एवरी मंथ 44,000 क्या देखकर तुम उत्तर वही आता है पता लगा लो आता है। तो आज आपका पहला चैप्टर आपका समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर को देखेंगे, तब तक आप लोग बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और Thank you.
चलिए वाकई दूसरा है कि आप अपने करके रहते हो फायदा ले रहे हैं वहां कैसे होगा कि पीछे क्या हो गया Yeah, exactly.